अब वो मिड रेंज फोन लेना हो या फ्लैगशिप लेवल का कोई सा स्मार्टफोन चाहिए हो तो 30,000 का बजट रेंज काफी ज्यादा सही रहता है। बजट 30,000 का एक जो बजट है ना भाई, ये काफी बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक ब्रांड का आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। हर एक ब्रांड यहाँ पर अपना स्मार्टफोन देती है, और ये ऐसे वैसे स्मार्टफोन्स नहीं होते भाई, सभी के सभी टॉप नॉच क्वालिटी के रहते हैं। यूजर एक्सपीरियंस से लेकर के फीचर्स के मामले में सब एक से बढ़कर एक होते हैं, मतलब कंपटीशन इतना हाई होता है ना। मान लो भाई एक वैकेंसी है तो 10 लाख से ज़्यादा उसके कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब वाले समझ सकते हैं जैसे। अब देखो सारे स्मार्टफोन्स जो मैंने इस वीडियो में रखे हैं यहाँ पर तुम्हें सभी से मतलब कि अच्छे अच्छे कैमरास देखने को मिलेगा, एक अच्छा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर भी हम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। काफी डिजाइनदार स्मार्टफोन है और सभी के सभी अंडर 30 रहने वाली है। कोई भी स्मार्टफोन मैंने आज की लिस्ट के अंदर ओवर बजट नहीं रखा, जैसे मैं हर बार कर देता हूँ, कई बार मैं स्मार्टफोन्स को ओवर दी बजट रख देता हूँ, इस बार ऐसा कुछ भी मैंने नहीं करा है। तो सारे के सारे स्मार्टफोन्स 30,000 और 30,000 से नीचे रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक देखना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब इट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो यार। नंबर 5 पे हमने रखा है Realme की तरफ से यार Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन। देखो इसके अंदर तुम्हें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का एक प्रोसेसर है, Android वर्जन 14 के साथ तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, और 8GB की रैम है। अब सही सी बात है भाई, 30,000 का स्मार्टफोन ले रहे हो तो भाई 4GB वाला स्टोरेज वेरियंट तो लेंगे नहीं, 8GB वाला कम से कम हाई एंड वेरियंट जो होगा वो तो लेंगे ही लेंगे हम। 6.7 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले दे रखी है जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देती है। कैमरा के मामले में स्मार्टफोन काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर तुम्हें कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तुम इसके साथ जा सकते हो। ये स्मार्टफोन क्या करता है, एक्चुअल में इसके अंदर एक पेरिस्कोप लेंस आता है जिसके अंदर तुम्हें 40x का डिजिटल जूम और 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। ये 64 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस इसके अंदर दे रखा है रियलमी ने। रियलमी ने इस बार कैमरा के अंदर काफी अच्छा काम करा है, पहला स्मार्टफोन है सेगमेंट के अंदर जिसके अंदर तुम्हें पेरिस्कोप देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा है, और यहाँ पर तुम जो है 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बड़े आराम से। और फ्रंट में भी काफी अच्छा काम दे रखा है इन्होंने, अगर पूरी की पूरी अपनी आगे पीछे बैलेंस बना रहे उसके लिए फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दे रखा है जिससे तुम अपनी अच्छी खासी सेल्फियां ले सकते हो अपने बत्तीसी दिखाते हुए। 5000mAh की बैटरी दे रखी है जो 67W की सुपर BOC चार्जिंग के साथ आती है। डस्ट रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। अब देखो 30,000 के बजट में आने वाले जितने भी स्मार्टफोन रही है मिड रेंज फ्लैगशिप के सभी जो होते हैं ना नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आते हैं, यहाँ पर तुम स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते। अमेजोन पर करंटली इसका प्राइस 28,999 लगा है, अगर तुम वन कार्ड का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 1200 का तुम्हें इंस्टेंट डिस्काउंट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि और ज्यादा सस्ता हो जाएगा 8GB और 128GB वाला वेरिएंट अगर तुम लेना चाहो तो। दूसरे वेरिएंट्स के लिए जाओगे तो वो थोड़े से महंगे मिलेंगे। इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात जो है इसका कैमरा सेटअप जो है वो काफी ज्यादा इनोवेटिव सा है, और रियलमी जाना ही अपने इनोवेशन के लिए जाता है भाई, अपने इनोवेशन हो गए अपना एग्रेसिव प्राइस रेंज होगी ना इसके लिए रियलमी जाना जाता है, और रियलमी ने इस फोन के अंदर वो सब कुछ दिखाया है। स्क्रीन इतनी अच्छी दे रखी है भाई, बैटरी लाइफ की तो कहने ही क्या है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी इसमें अबव द एवरेज है, मतलब इतनी अच्छी भी नहीं है उतनी बुरी भी नहीं है, काफ़ी ठीक है डेली टू डेली टास्क, इसलिए हल्की वुल्की गेमिंग कर सकते हो तो बड़े आराम से। जो कैमरा में पोर्ट्रेट मोड है वो कभी कभी हिट एंड मिस का केस उसमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोगों इस बजट पर रहना चाहते हो, इस स्मार्टफोन को रियलमी का ही चाहिए तुम्हें कोई सा भी स्मार्टफोन, तो तुम रियलमी 12 प्रो प्लस को कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पर ये है। नंबर 4 पर हमने रखा है OnePlus Nord 3। देखो एक क्लीन वाइज स्मार्टफोन चाहिए तुम्हें, साथ ही साथ ब्रांड वैल्यू मिलने वाली है स्मार्टफोन के साथ तुम्हें OnePlus की। एंड्रॉइड वर्जन 13 है, मेटेक डोमेंसिटी 9000 यानी 9000 प्रोसेसर के साथ आने वाला ये फोन जो है 6.74 इंच की एक सुपर फिल्ड AMOLED डिस्प्ले देता है जो ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। करंटली देखो 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर एक कैमरा है, 2.8 का सेकेंडरी है और 2 का मैक्रो कैमरा है, 20x का डिजिटल जूम, 4K तक की रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी। फ्रंट में भी इन्होंने 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल दे रखा है पूरे की पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 5000mAh की बैटरी है, 80W के सुपर BOC चार्जिंग के साथ है, और यहाँ पर तुम्हें डस्ट रेजिस्टेंट वाटर रेजिस्टेंट के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को तो मिलने वाली है भाई। बाकी इसके अंदर जो डिस्प्ले है काफी अच्छी दे रखी है, कैमरास काफी अच्छा काम करते हैं, काफी अच्छी फाइन डिटेल्स जो है कैप्चर कर लेते हैं। परफॉर्मेंस इसकी काफी ज्यादा स्मूथ है, फोन चलाने में काफी स्मूथ फील होता है, जैसे मक्खन के ऊपर हाथ फेर रहे हो वैसा स्मूथ देता है। बैटरी लाइफ काफी अच्छी है और चार्जिंग स्पीड तो उससे ज्यादा तगड़ी ने दे रखी है, मतलब अभी खत्म हुआ अभी चार्ज कर लो। माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, मैंने बताया ना इस प्राइस रेंज में किसी में भी देखने को मिलेगा, और डिजाइन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। ओवरऑल जो स्मार्टफोन है जो है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर अपने एक्सेप्शन से ज्यादा जो है काम कर रहा है, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3 पर हमने रखा है सैमसंग लवर्स के लिए जो एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहती है ना ऑडियंस हमारी, जो सैमसंग की कोर फैन है उसके लिए सैमसंग गैलेक्सी S21 फ्री 2023 वाला मॉडल लेना, याद रखना 2023 वाला लेना, दूसरा मत लेना। उसके अंदर तुम्हें एक्साइनोस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और एक्साइनोस का प्रोसेसर तो मैं रिकमेंड नहीं करता, तो तुम लोग इसके अंदर जो 2023 वाला वेरिएंट है वहाँ पर Qualcomm Snapdragon 888 दे रखा है, 8GB ऑफ रैम, 6.4 इंच की डायनामिक AMOLED 2X की डिजिटल 2X की डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देती है।
कैमरा सेटअप काफी तगड़ा है इसके अंदर, तो एक टेलीफोटो कैमरा लेंस देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, जो 30x का डिजिटल जूम 3x का ऑप्टिकल जूम देता है, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल दे रखा है, और टेलीफोटो के साथ इसकी जो फोटो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। 4K तक की वीडियो तुम यहाँ पर 60 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी वो 30 का होता है तुम यहाँ पर 60 तक कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का एक लेंस लगा रखा है फ्रंट में भी इन लोगों ने, जहाँ से तुम 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के ऊपर, यानी कि जो जिन बाकी स्मार्टफोन्स में ना तुम पीछे से कर सकते हो, इसमें तुम आगे से भी कर सकते हो पीछे से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर बैटरी के अंदर तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, यानी कि 4500 mAh की बैटरी है, जिसे 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलता है। भाई कहने को फास्ट होगी ये, ऐसे वैसे कोई फास्ट इसके अंदर है नहीं खास। 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, स्टोरेज के मामले में काफ़ी अच्छा काम करा है, एक्सपेंडेबल तो नहीं है जाहिर सी बात है, और 10 लीटर वाटर रेजिस्टेंस ये स्मार्टफोन रहता है। बाकी इसके तुम प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है, और जब भी सस्ता आए तुम इसे तब खरीद सकते हो। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन के ऊपर, नेक्स्ट स्मार्टफोन हमने रखा है सेकेंडरी नंबर पे, जो गेमिंग करना चाहते हैं हार्डकोर गेमर्स हैं उनके लिए हमने रखा है पोको X6 प्रो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें एंड्रॉइड वर्जन 12 है और मेटेक डोमेस्टी 8300 अल्ट्रा का SoC दे रखा है, जो 8GB फ्रेम के साथ आता है, 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बाकी कैमरा के मामले में भी काफी अच्छा काम इन्होंने करा है, कैमरे के मामले में देखो 64 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल दे रखा है, जो 10x का डिजिटल जूम देता है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS के ऊपर कर सकते हो, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस एक फ्रंट में लगा रखा है, 5000 mAh की बैटरी है, जो 67 वाट की टर्बो चार्जिंग के साथ आती है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, जो कि नॉन एक्सपेंडेबल है, और 10% वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग 26,999 रुपये है, इसके 8 256 GB वाली की वेरिएंट और 12 और 512 GB वाली की वेरिएंट है 28,999 रुपये। मैं पर्सनली स्मार्टफोन को तो रिकमेंड करूँगा, क्यों करूँगा, क्योंकि इसके अंदर डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, डिस्प्ले काफी तकड़ी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस भाई ऐसी है कि तुम मतलब बेहोश हो जाओगे, और स्टीरियो स्पीकर्स जो है काफी अच्छा काम करते हैं। UI के अंदर थोड़ी सी रिफाइनमेंट चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, पोको X6 में अच्छा काम करता है, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहता है। कैमरा थोड़े से अच्छे हो सकते थे, लेकिन काफी ठीक है। परफॉर्मेंस सेंटर के जो यूजर्स हैं जिनको परफॉर्मेंस से मतलब है भाई, उनको कैमरा से मतलब नहीं, उनके लिए स्मार्टफोन एकदम परफेक्ट है अंडर 30,000। नंबर वन पे हमने रखा है IQ Neo 7 Pro। IQ Neo 7 Pro के अंदर तुम्हें क्वाडकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 का SoC देखने को मिलेगा विद 8GB ऑफ रैम। अब 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देती है। अब देखो इसके रियर कैमरा में भी काफी अच्छा काम करा है IQ ने, ऐसे तो IQ गेमिंग के लिए जाना जाता था, अब थोड़ा थोड़ा कैमराज में भी शिफ्ट हो रहा है। तो देखो 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो कैमरा, जहां से तुम 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और कैमराज में जो फोटो खींचता है ये नेक्स्ट लेवल की खींचता है, नेक्स्ट लेवल की डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले देख के 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, तो काफी सही चलती है, स्मूथ चलती है। 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एक फ्रंट में लगाया है, बैटरी 6000 mAh की तो नहीं दे रखी, 5000 mAh की लगाई रखी है भाई, लेकिन इसे चार्ज करती है 120 वाट की फ्लैश चार्जिंग, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और नॉन एक्सपेंडेबल है जाहिर सी बात है। अभी करंटली इसका जो प्राइस है अमेजोन पे वो 30,999 रुपये मिल रहा है इसके 8/128 GB वाले वेरिएंट का, और IP की कोई रेटिंग तुम्हें यहाँ देखने को तो नहीं मिलने वाली है। और गेमर्स के लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि परफॉर्मेंस ये भी तगड़ी देता है भाई, और परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरे, इसके जो कैमरे हैं ना वो भी नेक्स्ट लेवल की फोटोज़ आपको निकाल कर देते हैं, काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी ये लोग प्रोसेस करते हैं, और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, बैटरी की जो चार्जिंग है भाई नेक्स्ट लेवल की है। काफी ज्यादा प्लॉटवेयर्स हैं और डिजाइन काफी ब्लेंड्स है, लेकिन ओवरऑल स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से लेना चाहते हो वो गेमर्स के लिए, परफॉर्मेंस के सेंटर के यूजर्स के लिए, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार वंदे मातरम और जय हिंद। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना, और हाँ कोई भी टेक पर ही हो तो कमेंट कर ले, मैं पूछ लो यार, कमेंट करके तुम पूछ सकते हो मुझे। अब जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।